सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए धमाकेदार व्लॉग में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इतना सन्नाटा क्यों है, तो भाई मैं रात में व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं। अभी मैं अपना स्कूल का काम कर रहा था और हमारे स्कूल वाले इतने निर्दयी हैं, मतलब मैं आज कितने अच्छे अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, निर्दय, वाह, तो इतने निर्दयी हैं। और सुनो, देखो बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है बाहर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, बारिश नेचुरल है, इसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हमारे स्कूल वाले इतने निर्दयी हैं, मतलब हमारी स्कूल की छुट्टियां नहीं करी, मतलब समर वैकेशंस नहीं करी। अब आप लोग कहोगे कि समर वैकेशन का क्या फ़ायदा, इतनी तो छुट्टी हुई थी कोरोना की वजह से। भाई वो अलग है, अब गर्मी पड़ रही है, छुट्टी तो डिज़र्व करते हैं हम बच्चे। हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं 8th तक के, उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन 9th की 1 तारीख से होंगी, बाकी सब स्कूलों में 9th की होगी। हमारा स्कूल ही है अनोहता। यार अब क्या करें, तो चलो अब मौसम देख के आते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस, मौसम देखो, इमेजिन करो मैं ऐसे बाहर खड़ा हूँ और अभी 12 बज रहे हैं, एकदम से मेरे कैमरे के सामने यूँ भूत आ जाए, क्या होगा। भाई बिजली देखो क्या कड़क रही है। और ये देखो गाइस, हमने धूप से बचने के लिए ग्रीन कलर का कुछ लगाया है, सो क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, मैंने लगा दिया है, ये दिखा दिया मैंने। देखो गाइस यार क्या मौसम हो रहा है आलीशान, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ताला लग गया है घर पे। एक मिनट, ये खुला कैसे रह गया, चलो कोई बात नहीं यार। नज़ारे देखो, नज़ारे, नज़ारे देखो, नज़ारे। तो गाइस, अरे अंदर चल रही हूँ वरना ऐसा ही लगेगा बेकार का। हाँ को अंदर चलने दो। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि अब मैं ना सुबह ही बात करूँगा, सुबह मैं स्कूल जाऊँगा ना, तो मैं तभी व्लॉग बनाऊँगा। क्योंकि तो वैसे मैं जा ही रहा था, देखो मैंने सारी लाइट बंद कर दी है, लेकिन जब मैं हाथ धोने यहाँ पे आया तो ये देखो ऊपर से मिट्टी गिरी है ना, यहाँ पे हमारा टट्टर है जो भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये देखो वाइस पूरी मिट्टी मिट्टी का हो गया है, इसमें क्या ही हाथ धोने। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं। अरे मैं दिख भी नहीं, कहाँ पर जाके ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, तो मिलते हैं सुबह। गाइज मैं ढंग से देख नहीं पाऊँगा कैमरे की तरफ क्योंकि ऊपर से धूप आ रही है, लेकिन कल जो बारिश पड़ी थी ना उसको मौसम इतना गजब का हो रहा है। अभी मैं नहा के आया हूँ तो इतना ठंडा ठंडा पानी ना, मज़ा आ गया। और देखो गाइज एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, बहुत दुख की बात है, ये देखो गाइज, ये कल हवा चली थी ना तो ये जो थी ये दीवार से ये चीज़ गिर गई। अब यार क्या कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे को देख के पता ही चल गया होगा कि मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, और स्कूल से आने के बाद मैं जाऊँगा, मतलब मैं नहीं, हम जाएंगे कहीं पर, तो व्लॉग को देखते रहो। तो गाइस हम बसेरा रेस्टोरेंट आए हैं, बसेरा रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं, अब चलो चलते हैं। खाना खा लिया है और आपको थोड़ी टू टू की आवाज़ आ रही होगी, वो इसलिए क्योंकि हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो इसलिए थोड़ी आवाज़ आती है। तो अब हम राधा वैली जा रहे हैं जो कि मथुरा की सब सीट बेल्ट देखो अभी बोल रहा था जो कि मथुरा की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, मतलब जगह नहीं बिल्डिंग है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। मौसम बड़ा सुहाना, फेमस हो जाएगी राधा वैली मेरी वजह से। कितनी लंबी बनाया होगा यार ये गाड़ी। अरे कट कर दूंगा भाई, टेंशन काहे लेते हो, हम पीरो एडिटर हैं। मम्मा मम्मा भागो 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 भागो। गाइस ये देखो मुंबई वाली फील आ रही है। We are not
तो गाइज मैं ना घूम के आ चुका हूँ और मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे साथ कुछ रिलेटिव्स भी आए थे हमारे घर पे, तो इसी वजह से थोड़ा बातचीत हो रही थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, तो इसलिए अब बना रहा हूँ। मैं खेल के आ चुका हूँ, अब 8 बज रहे हैं। अब आप सोचोगे मेरे टीका कैसे लग गया, तो अभी मैं पूजा करने गया था, हमारा जो मंदिर दिखाया था ना मैंने आपको कुछ व्लॉग पहले, उसकी मैं पूजा करने गया था तो ये टीका लगवा लिया मैंने। अब चलो मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरा काम पेंडिंग है अभी भी, और थोड़े दिन बाद मेरी समर वैकेशन हो जाएंगी तब आराम से करेंगे। मेरे कोई टीचर ना देख रहे हो ये ब्लॉग, वरना अगले दिन मैं सुतूंगा। गाइज मेरे को आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ बतानी है। देखो अभी समर वैकेशंस चालू होने वाली हैं, तो समर वैकेशंस में मैं जाने वाला हूँ ग्वालियर। हमने ट्रेन की टिकट्स भी बुक करा ली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप ब्लॉग्स को मिस ना कर पाओ। तो अब 9 बज रहे हैं, अब मैं भाई खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, तो इसलिए आज के इस वाले ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो यार लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।